विश्वं दर्पण शिवसंकल्पमस्तु। मन के बारे में 9 बात बताई गई है, पिछले मंत्र में 6 बात थे। जागृत होते ही मन का अन्य विषय में जाना, केवल विषयों के नहीं परमात्मा के प्रकाशन तक की शक्ति रखना, परमात्मा का भी मानस प्रत्यक्ष करवाना और सोते समय केवल आत्मा में ही सोना, दूर दूर तक भूत की वस्तु, भविष्य की वस्तु, वर्तमान की वस्तु, व्यवहित वस्तु जिसके हमारे बीच में बहुत फर्क है, और जो बहुत सूक्ष्म वस्तु है उसको ये मन दिखा देता है। और जो संपूर्ण इंद्रियों में रहकर उनको प्रकाशित करता है, और इंद्रियां अनेक हैं, विषय अनेक हैं, परंतु ये एक है। अब दूसरे मंत्र में मन के संबंध में 9 बात बताई जाती है। इस मन के द्वारा ही यज्ञ में कर्म किया जाता है। तो यज्ञ शब्द का अर्थ सुनते, यज्ञ शब्द सुन करके कई लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि यज्ञ माने कोई है ना दुनिया के व्यवहार से अलग वस्तु। तो यज्ञ शब्द का पहले आप अर्थ ध्यान में ले आ। ये वृक्ष लता यज्ञ कर रहे हैं, वो अपने फल से, फूल से, पत्ते से, डाली से, छिलके से, गोंद से, लकड़ी से, जड़ से, अंकुर से, छाया से, बीज से दूसरों की भलाई कर रहे हैं। ये जो वृक्ष के द्वारा स्वयं लोक कल्याण का कार्य हो रहा है, ये यज्ञ है। माने वृक्ष यज्ञ में स्थित है। अब पृथ्वी में एक गेहूं डालो तो वो 50 गेहूं करके लौटा दे, तो एक गेहूं का 50 गेहूं करके लौटाना ये पृथ्वी का यज्ञ है। वो गेहूं नहीं, सृष्टि में जितनी औषधि वनस्पति हैं सबको प्राणियों के लिए दान करना, इसका नाम यज्ञ है। दान का नाम यज्ञ है, आदान का नाम यज्ञ है, उत्सर्ग का नाम यज्ञ है, कुछ दूसरों से लेना, कुछ दूसरों को देना, अपने जीवन को नियमित बनाना, श्रुत्यर्थ
किस प्रकार समझना चाहिए इसकी शिक्षा देना, ज्ञान देना, विश्वात्मा प्रभु को प्रसन्न करना, ये यज्ञ का काम है। जल सबको रस देता है, ये यज्ञ है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, ये यज्ञ है। वायु सबको श्वास देता है, ये यज्ञ है। आकाश सबको धारण करता है, ये यज्ञ है। इस प्रकार ये विश्व विराट जो है ये यज्ञ कर रहा है। हम अपने जीवन में जो अतिशय संग्रही हो गए हैं, लेना तो आता है परंतु देना नहीं आता, तो वितरण की पद्धति सिखाना, माने दान की पद्धति को सिखाना, ये यज्ञ का काम है। उसमें पक्षी का भी हिस्सा होता है, पशु का भी हिस्सा होता है, मनुष्य का भी हिस्सा होता है। देखो, पृथ्वी की पूजा होती है तो पृथ्वी में जो गंध है और पृथ्वी से ही बना अक्षत है, पृथ्वी से ही बना फूल है, वो पृथ्वी को अर्पण होता है। जल और दूध से ही जल की पूजा होती है, आहुति डालकर अग्नि की पूजा करते हैं और दीपक से सूर्य की आराधना करते हैं। माने स्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव वो समर्पय, ये यज्ञ यही है कि विश्व समष्टि से, विराट से हम बहुत सी वस्तुएं अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो जैसे ग्रहण करते हैं वैसे ही उसको दे दें। तो जो जिस जीवन में यज्ञ नहीं है, अब यज्ञ का अर्थ क्या है कि पृथ्वी देवता से हम धारण अन्न सुगंध प्राप्त करते हैं, तो पृथ्वी देवता के प्रति आदर का भाव रखना, अग्निर देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, इस प्रकार हम व्यष्टि समष्टि में जो विद्यमान देवता हैं, उनकी आराधना करते हैं, इसको बोलते हैं यज्ञ। इंद्रियों में देव समष्टि की आराधना होए, यदि द्रव्य हो अपने पास तो विदथेसु, विदथेसु सत्सु, विदथेसु जग्गीयेसु हविसु सत्सु, ये विद धातु से अथ प्रत्यय उनादि में होता है, उसका अर्थ होता है यज्ञ साधन सामग्री। तो यदि अपने पास अन्न है तो अन्न दान करो, जल है तो जल दान करो, प्रकाश है तो प्रकाश दान करो, विद्या है तो विद्या दान करो, जो है उसी का दान करना हो, ये नहीं कि जो अपने पास। एक कवि जी आए, बोले महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, सेवा करना चाहते हैं? क्या सेवा करना चाहते हैं? का ऐसा आशीर्वाद दो कि हमको 5,000 रुपया मिल जाए, तो 1,000 से हम आपकी सेवा करेंगे। मैंने कहा भले मानुष अगर कुछ सेवा करना चाहता है तो एक बढ़िया सी कविता सुना, क्योंकि कविता तो उसके पास है, उसके द्वारा वो सेवा करे। जैसे एक सेठ आए, बोले महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? मैं आपका पांव दबाना चाहता हूँ। कभी पांव दबाना ये तुम्हारी सेवा नहीं है, है ना? हविसुसत्सु, जैसी सामग्री ईश्वर ने तुमको दी है, तुमको अन्न दिया है तो तुम अन्न से सेवा करो, तुमको वाणी दी है तो तुम वाणी से सेवा करो। जिसका शरीर मजबूत है, जिसने सीखा है कि मालिश कैसे करनी चाहिए, तो वो मालिश की सेवा करे। भगवान ने जिसको जो गुण दिया है उसके द्वारा वो सेवा करेगा, तब यज्ञ होगा। अच्छा, तो वस्तु के द्वारा सेवा, कर्म के द्वारा सेवा, भाव के द्वारा सेवा, बुद्धि के द्वारा सेवा, बोला, और अपने अहंकार का, आग्रह का त्याग करके सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा, ये बलिदान है। जहां हम अपने अहंकार का त्याग करके किसी की सेवा करते हैं, अपने भोग का, आनंद का त्याग करके सेवा, अपनी परिच्छिन्नता का त्याग करके सेवा, ये सब क्या है? कि ये सब यज्ञ है। यज्ञ, यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण, दान,
इनके द्वारा इज्जते भगवान अनेना, जिसके द्वारा भगवान की आराधना होए उसका नाम यज्ञ। पहले इसी को धर्म बोलते थे, वो मंत्र आपने कितनी बार सुना होगा, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान नियासन। यज्ञ के द्वारा यज्ञ की आराधना, हम जितने भी कर्म करें वो यज्ञ में ही हो। तो यहाँ तक कि हमारा मल मूत्रोत्सर्ग भी यज्ञ के लिए हो। हम पेशाब करें, हम शौच जाएं, हम स्नान करें, तो वो भी यज्ञ विराट की आराधना के लिए हो। दुर्गंध फैलाने के लिए हम शौच न जाएं, हम धरती को गंदा करने के लिए लघुशंका न करें, हमारे लघुशंका करने पर भी, शौच जाने पर भी, धरती पानी और वायु ये सब गंदे नहीं होने चाहिए, यज्ञार्थ जाना चाहिए। इसी को भगवत भक्ति इसी को कहते हैं। माला फेरना भी भक्ति है, बोला, परंतु विराट को दूषित करके, विराट समष्टि को दूषित करके भगवत भक्ति नहीं हो सकती। अच्छा, तो भक्ति भी एक यज्ञ है, देव पूजा ईश्वर पूजा है। तो यज्ञ में मनुष्य कर्म कब कर सकता है, बोले ये न मन से कर सकता है, ये न मनसा कर्माणि कृण्वन्ति, मन से ही कर्म होगा। जो लोग मन को खुला छोड़ देते हैं तो इधर उधर उनका मन घूमने लगता है। मन को व्यवस्थित करके एक कर्म में लगाना चाहिए। जिसके जन्म में व्यवस्था नहीं है, ये मन व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित मन से ही शुद्ध भोग होता है, व्यवस्थित मन से ही शुद्ध कर्म होता है, व्यवस्थित मन से ही शुद्ध संग्रह होता है, व्यवस्थित मन से ही शांति का अनुभव होता है, व्यवस्थित मन से ही परमात्मा का दर्शन होता है, व्यवस्थित मन से ही आत्मस्थिति होती है, और व्यवस्थित मन से ही आत्मा परमात्मा की एकता का बोध होता है। ये परमात्मा के बारे में तीन बात है, मन से परमात्मा का ध्यान होना एक बात है, और मन की आत्मा में स्थिति होना ये दूसरी बात है, और वो आत्मा और परमात्मा दोनों की एकता का जो बोध है वो तीसरी बात है। वो न तो भगवत भक्ति है और न तो समाधि है, आत्मस्थिति समाधि है, आत्म साक्षात्कार समाधि है, और भगवत भक्ति जो है वो भगवान में सायुज्य है। परंतु भगवान और आत्मा दोनों में चिन्ह मात्र तत्व एक है, और अल्पज्ञता सर्वज्ञता अल्पशक्तिमत्ता सर्वशक्तिमत्ता आदि जो है ये चिन्ह मात्र अखंड वस्तु में नहीं है। अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्य न लक्षण, युक्ति से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, परंतु सब आत्मा एक ही है और वो परमात्मा से अभिन्न है, अद्वय है, इस बात का साक्षात्कार महावाक्य से होता है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो कर्म करने के लिए यज्ञ में सामग्रियों के द्वारा कर्म करने के लिए हमारे जीवन में तीन बात होनी चाहिए। ये तीनों मन की बात, अपसह मनीषिणः धीराः, एक स्वस्थ मनुष्य का लक्षण क्या है? तो स्वस्थ मनुष्य का लक्षण ये है कि वो कर्म के प्रवाह में बह न जाए, दूसरा मन उसके काबू में हो, और तीसरा अपने कर्तव्य का पालन करते समय या अपने इष्ट का चिंतन करते समय या अपनी निष्ठा में स्थित रहते समय कोई भी कष्ट आवे तो उसको सहन करे।
जिसमें द्रव्य कर्म और भोग और संग्रह इन चारों बातों में बह जाने से आपको रोकने की ताकत नहीं है, वो मनस्वी नहीं है। जो साड़ी दिखी वही हमको चाहिए, जो मिठाई बाजार में दिखी वही हमको चाहिए, जो चाट बाजार में हमको दिखी वही चाहिए हैं? और उसी के अनुसार शरीर को जाने दिया। इंद्रियाणाम विचरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम बसी। आगे आगे इंद्रियां चरने के लिए जाती हैं, समझो कि पशु हैं, वो खेत में अनाज चरने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो चरवाहे का काम वहाँ होता है कि उन पशुओं को जो बिना मर्यादा के दूसरे के खेत में, अपने खेत में जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए, जो उनके हक का नहीं है, वहाँ जब वो दौड़ करके मुंह मारते हैं, तो उस पशु को रोकने का सामर्थ्य चरवाहे में होना चाहिए। तो कर्मवंता ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं आनी चाहिए जो हमारे हक की न हो। दिल्ली में एक दिन बादशाह ने आधी रात को देखा खजाने में रोशनी हो रही है। अब के बादशाह नहीं, ये पुराने बादशाह की बात है। वो बादशाह तो अब भी होते हैं, तब भी होते हैं। उसने कहा कि इस समय आधी रात को, एक बजे रात को खजाने में रोशनी क्यों हो रही है, कौन है वहां? जाके देखा तो खजांची बैठ के हिसाब करता। अरे भाई, एक बजे रात को ये हिसाब करने का क्या मतलब है? बोले महाराज, हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। का क्या गड़बड़ी हुई है, घाटा हुआ है कि नुकसान हुआ है? उसने कहा, महाराज घाटा हुआ होता तो हम रात को क्यों बैठते, वो तो हमारा दूसरे के पास गया है, घाटा नहीं हुआ है, फायदा हुआ है। खजाने में हिसाब से जितना धन चाहिए उससे ज्यादा है, इसलिए हिसाब कर रहा हूँ। बोले आज मत करो, कल कर लेना। उसने कहा नहीं, पता नहीं किस गरीब का हिस्सा, किस गरीब के खून पसीने की कमाई हमारे खजाने में आके मिल गई है। ये रात भर अगर मिली रहेगी तो हमारे खजाने को भी लेके जाएगी, इसलिए इसी समय इसको अलग कर देना जरूरी है। हाँ, दूसरे की वस्तु हमारी वस्तु के साथ नहीं मिलनी चाहिए। दूसरे के हक की चीज को हमें हमारी कहने का कोई हक नहीं है। ये देखो, वस्तु के संबंध में इतनी सावधानी, इतनी सावधानी। आप लोगों को अच्छा लगे कि न लगे, एक अपने गांव की बात सुनाता हूँ। हमारा जन्म बहुत छोटे गांव में, जहाँ से स्टेशन भी, रेलवे स्टेशन भी 9-10 मील पर था पहले, अब तो बसें जाती हैं, ऐसी जगह पर है। तो हम लोग तो ब्राह्मण होने के कारण ये ख्याल करते थे किसके घर में खाना, किसके घर में नहीं खाना। परंतु हमारे गांव की जो छोटी कहलाने वाली जातियां हैं ना, उसके जो लोग हैं, हमारे घर में बेटे का ब्याह हो, बेटी का ब्याह हो, यज्ञोपवीत हो, सत्यनारायण की कथा हो, तो वो दिन भर काम करते थे पर हमारे घर में खाते नहीं थे। हमने कहा, भाई जरा मालूम करना चाहिए क्यों नहीं खाते हैं, जब दिन भर काम करते हैं और लेते कुछ नहीं, वो पैसा भी नहीं लेते। बोला पैसा भी नहीं लेते और खाते भी नहीं। बोले भाई, महाराज के घर में काम है तो हमारे, इनकी बेटी का ब्याह, इनके बेटे का ब्याह, इनका यज्ञोपवीत, वो तो हमारे घर का काम है, इनकी सत्यनारायण की कथा तो हमारे घर का है। दिन भर काम करते और न पैसा लेते न खाते। तो मैंने एक दिन पूछा कि आखिर तुम लोग खाते क्यों नहीं हो, जब दिन भर यहाँ काम करते हो तो खाते क्यों नहीं हो?
तो एक ने कहा महाराज आप क्या करोगे जान के, तो उनका नहीं हमको बताओ, बहुत कौतूहल है। तो उसने कहा आप लोग तो ब्राह्मण हो महाराज, समर्थ हो, अग्नि रूप हो, आपके घर में जो आवे जो खाओ वो आपको पच जाएगा, लेकिन हम लोग छोटी जात के हैं, आपके घर में कहाँ कहाँ से चीज आती है, दान की वस्तु आती है, हैं? और पता नहीं लोग मरते हुए छुआ के भी देते हैं। ये जितने साधुओं के क्षेत्र चलते हैं उसमें प्रायः मरते हुए आदमी के हाथ से छुआ करके पैसा भेजते हैं। तो बोले आपके घर में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, तो वो हमको नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं। हमारे बाप दादों की बनाई हुई ये मर्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आई है कि तुम ब्राह्मण के घर में भोजन मत करना, इसलिए नहीं करते हैं। आप देखो उनके विवेक को देखो, हैं? उनके विवेक को देखो कि वो कहते हैं कि अशुद्ध वस्तु का, जो वस्तु हमको न पच सके, हमारे हक की न हो, अशुद्ध हो, वो हम कैसे खाएंगे। तो अब ये देखो भोग में हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। अब भाई कई लोग ऐसे होंगे यहाँ, वो कहेंगे कि फिर हम लोग जो हैं वो बाबा जी के यहाँ कैसे खाएं, तो इसका समाधान भी कहो तो बता दें। जिनके मन में ये ख्याल हो कि ये भगवान का प्रसाद है ना, केवल भगवत प्रसाद बुद्धि से ही लिया जा सकता है, और यदि अपने धर्म अधर्म का विचार करके कोई दूसरे के हक की वस्तु खाना चाहे तो उसको खाने का अधिकार नहीं है। अच्छा अब आगे एक तीसरी बात आपको ले जाए, तो ये बात है कि पैसा संग्रह, वस्तु का संग्रह करने में भी कम से कम 50-50% धर्माधर्म का ध्यान, 50% अधर्म। यदि मान लिया आजकल तो 90% अधर्म है, 99% अधर्म है, उसकी बात छोड़ देते हैं, तो संग्रह करने में, भोग करने में और कर्म करने में और बोलने में भी, मन जब अपने काबू में होगा तब तो हम कायदे से बोल सकेंगे। हमारे बोलने का क्या अभिप्राय है देखो, करपात्री जी की बात तो हम छोड़ देते हैं, वो तो महात्मा पुरुष हैं, काशी के विद्वानों की बात हम करते हैं। काशी के विद्वान कहते हैं कि महाराज जब आप पति पत्नी गृहस्थ आपके पास बैठे हों और वे मुमुक्षु न हों, मोक्ष न चाहते हो, विवेक न चाहते हो, विवेक से उनका प्रेम न हो, मुमुक्षु न हो, भगवत भक्ति के लिए सब कुछ त्याग न करना चाहते हो, तो आप पुरुष को ये उपदेश करो कि एक पत्नी व्रत का धर्म ही असल में पुरुष के लिए धर्म है। पति का धर्म क्या है? एक पत्नी व्रत। और पत्नी के लिए धर्म क्या है? पति व्रत, एक पति का व्रत। तो इससे क्या होगा कि 99% जो स्त्री पुरुष हैं उनकी ओर से उनका मन ना हटेगा और एक में लगेगा, तो यही योग हो जाएगा। जब 99 से मन हट के एक में, 99 से नहीं है ना, यदि अरब पुरुष हो संसार में तो 99 करोड़ और 99 लाख और 99 हजार है, ऐसे होगा ना, और 999। इतने पुरुषों की ओर जो मन चंचल होता है उसकी ओर से हट करके केवल एक पुरुष में या एक स्त्री में मन आसक्त होगा, तो ये आसक्ति तो योग है, इसमें एकाग्रता है कि नहीं है? यदि एकाग्रता है तो ये धर्मात्मक योग है। आप क्यों प्रकृति पुरुष विवेक, पंडित लोगों का कहना है, ये हमारा नहीं बोला, पंडित लोगों का कहना है कि आप उनको क्यों प्रकृति पुरुष विवेक बताते हैं, हैं? कि
पांच बात नहीं है सृष्टि में, ये कपिल जी ने कहा है। हो कपिल जी ने कहा है कि तत्व का विवेक करो, तुम दृश्य नहीं हो दृष्टा हो, एवं तत्व विवेकात् ना हम, अस्मिता नहीं है तुम्हारे, न मैं, राग द्वेष नहीं है तुम्हारे, अभिपर्ययात् अभिनिवेश नहीं है तुम में, है ना। तो एक ही श्लोक में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पांचों का निषेध कर दिया। एवं तत्व विवेकात् नाहम, तत्व विवेकात् से अविद्या गई, अविवेक गया, और नाहम से अस्मिता गई, और न में से राग द्वेष गया, न में मेरा शत्रु भी नहीं मेरा मित्र भी नहीं, और अभिपर्ययात् से देहाभिनिवेश गया। बोले ठीक है, शांक ने बहुत बढ़िया बात बताई, अच्छा अब आपको सुनाते हैं। तो बोले कि जो ईश्वर के वो चाहे उसको बताओ ईश्वर भक्ति, जो विवेक को चाहे उसको बताओ विवेक, जो एकाग्रता को चाहे उसको बताओ जो, जो जिज्ञासु हो उसको बताओ तत्वज्ञान। पर जो सामान्य स्त्री पुरुष हैं उनको ये बताओ कि वो खाए क्या है? और वो कमाए क्या, और वो करें क्या, और वो बोलें क्या, चार बात। वो खाए क्या, कमाए क्या, करें क्या, और बोलें क्या, ये चार। ये हमारे काशी के पंडितों का ये कहना है कि ये बाबा जी लोग जो हैं ये बिल्कुल अनधिकारी पुरुषों को अशास्त्रीय उपदेश करते हैं। हमारे पर भी वो लागू होता है, वो है ना। अच्छा, जो यज्ञेश्वर जिज्ञासु हो उनको लो, अब बिल्कुल ब्रह्मात्मयी के बोध कराए करके जो है सो गोविंदाय नमो नमः, बिल्कुल प्रपंच को मिथ्या कर रहे हैं। अच्छा, तो कर्मवंता, पहली बात यह है कि तुम्हारा अपने कर्म इंद्रियों पर और ज्ञान इंद्रियों पर काबू है कि नहीं। तो ये कैसे होगा कि जब मन काबू में होगा तब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां काबू में हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि मन का प्रेरक बुद्धि हो, कर्म का प्रेरक मन है और मन का प्रेरक बुद्धि है। अब देखो क्रम लेते हैं, कैसे क्रम लेते हैं कि जब इच्छति तत्कर होती, मन में पहले इच्छा होती है फिर मनुष्य कर्म करता है। यदि बिना इच्छा के कोई कर्म हो जाए, जैसे सोते समय खटमल ने काटा और पट से नहीं है, हाथ वहां पहुंच गया, तो अनजान में जो खटमल मरा उसमें हत्या का कर्तृत्व तो नहीं हुआ, वो बात है। तो कहीं खुजली हुई और हाथ पहुंच गया खुजलाने के लिए, तो उससे पाप या पुण्य की उत्पत्ति नहीं हुई। जब कर्तृत्व पूर्वक कर्म होता है तभी पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है, माने जब जानबूझ करके हम कोई कर्म करते हैं तब उसमें पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है, बिना कर्तापना के पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए जब इच्छति तब कर होती, कर्म की उत्पत्ति कब होती है, जब हम चाहते हैं, और चाहते कब हैं, जब मन में ये संस्कार होता है कि इस वस्तु से हमको सुख मिलेगा तब करते हैं, और जब ये संस्कार होता है कि इससे दुख मिलेगा तो नहीं करते हैं। करना और परहेज करना, परिजिहीर्षा परहेज, परिजिहासा परिजिहीर्षा, संस्कृत में शब्द है, परिजिहासा भी है और परिजिहीर्षा भी है, यही मुसलमानों की भाषा में परहेज बोलते हैं इसको, परहेज। तो हम किससे परहेज करें और किसको अपनावें, तो जिसमें प्रिय बुद्धि होगी उसको अपनावेंगे, जिसमें अप्रिय बुद्धि होगी उसको परहेज करेंगे। इसका अर्थ यह है कि इच्छा का नियंता कौन है, का बुद्धि समझ। जब हम अपने लिए हित समझते हैं तब करते हैं, और जब हम अपने लिए अहित समझते हैं तब नहीं करते हैं।
तो बुद्धि जो है वो प्रिय अप्रिय का भेद उत्पन्न करती है, और प्रिय में से इच्छा का उदय होकर के कर्म होता है, और अप्रिय में से जिहासा का उदय, त्याग की इच्छा बन करके वो इच्छा जिहासा हो जाती है, और जिहासा हो करके कर्म करने से रोकती है। तो कर्म करने न करने में इच्छा हेतु है, और इच्छा के होने न होने में समझ हेतु है। समझ, ज्ञान, समझ उसको कहते हैं जिसके भीतर कोई न कोई विषय हो गए। समध्या, समझ है ना, मज, मज जो है वो मध का बना हुआ है। समध्या, जिसके भीतर कोई विषय हो गए उसका नाम समझ है। विचार करे, ये उचित है, ये अनुचित है, ये हित है, ये अहित है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, इसको समझ बोलते हैं। अच्छा, तो देखो जी, आपको ये बात, कर्म का मूल इच्छा है और इच्छा का मूल बुद्धि है। तो जब ये प्रश्न उठा, इसका अपने शास्त्रीय दृष्टि से इसका बड़ा सुंदर विज्ञान है। माने जैसे आप किसी आयुर्वेदिक विद्वान से प्रश्न करोगे तो कफ वात पित्त ये त्रिधातु के विज्ञान से आपका निदान भी करेगा और चिकित्सा भी करेगा। ये आयुर्वेदिक विज्ञान है, त्रिधातु। और असल में ये जो हमारा पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान है ना, घूम फिर करके वही इन्हीं तीनों के दूसरे नाम रखता है, और वो विज्ञान भी कफ वात पित्त की चिकित्सा पर ही आधारित है। हमको इस विषय के, जो दोनों विषय के बड़े बड़े विद्वान हैं, का उन्होंने नाम भी बताए हमको, लेकिन वो सब हमको भूल भाल जाता है, याद नहीं रहता। तो आपको हम ये सुनाते हैं कि केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्ता। केन उपनिषद में प्रारंभ में ही आया, ये मन को भेजने वाला कौन है, कौन चाहता है कि हमारा मन अमुक जगह जाए, और ये चाहने पर हमारा मन वहां जाकर गिरता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन इशितम प्रेषितम मनः पतति। कौन कहता है कि हमारा इष्ट वो है, फिर अपने मन को कौन भेजता है, और फिर वो मन जाकर उस विषय में क्यों गिरता है। तो हमको वो चाहिए ये बताने वाला, फिर मन को भेजने वाला, फिर मन को, मन का जा करके विषयाकार हो जाना, ये तीनों क्रिया कैसे होती है, इसी को बोलते हैं मनीषा। संस्कृत भाषा में मनीषा शब्द है इसके लिए, मनसः ईशा, मनीषा। जैसे हलीसा लगने से हल चलता है, हर में, हल में हलीसा लगाते हैं तब हल चलता है, इसी प्रकार मन में जब मनीषा लगती है, वही ईशा शब्द है। केनेशितम में जो ईशा है, प्रेषितम में जो प्रईशा है, वही मन में मनीषा है। तो दूसरी बात यह है, कर्म काबू में हो, कर्म काबू में कब होगा, जब बुद्धि काबू में होगी। तो विज्ञान की बात सुना रहा था, वो तो छूट ही गई। हमारे विज्ञान क्या है, एक तो पंच तन्मात्राओं का विज्ञान है, और पंच तन्मात्राओं के मूल में अहम का विज्ञान है, और अहम के मूल में बुद्धि तत्व, अहम महत्तत्व का विज्ञान है, और महत्तत्व के मूल में चित्त का विज्ञान है। तो जब हम पांच इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते हैं, तो विषयों को ग्रहण करके समन्वित करते हैं, समन्वित करते हैं। जैसे आपके मन में एक इच्छा होए कि चल के बड़ा सुंदर दृश्य समुद्र के तट पर देखने को मिलेगा, जुहू चलें और सुंदर दृश्य देखें, तो आंख की तृप्ति के लिए, आंख के द्वारा मन की तृप्ति के लिए आप जुहू जाना चाहते हैं। उसी समय जिह्वा ने कहा कि पहले खीर खा लो फिर चलो,
तो खीर खाने की इच्छा जिह्वा के द्वारा मन की तृप्ति हुई और सुंदर दृश्य देख करके नेत्र के द्वारा मन को तृप्ति करने की इच्छा हुई। तो ये दोनों इच्छा एक पर ही है ना। तो ये पंच तन मात्रा विषयक इच्छाएं तो पांच विषयों के भेद से और पांच इंद्रियों के विषय से आई हैं। अच्छा, लेकिन ये पहले खा लो फिर दृश्य देखने चलो, ये जो दोनों का जीवन में समन्वय हुआ वो दोनों इच्छाओं का मालिक एक होने से हुआ। तो भिन्न भिन्न इंद्रियों से एक मन कहता है कि देखो ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको पकड़े रहो। दूसरा मन कहता है कि देखो वो हमारा दुश्मन आ रहा है, भाग चलो। तो पांव से भागें कि हाथ को पकड़ें? एक ही अहम के आश्रित तो ये दोनों इच्छाएं हैं। तो जो भिन्न भिन्न विषयों की इच्छा है वो पंच तन्मात्रा के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनकी मूलभूत इंद्रियों के साथ संबंध रखती है, परंतु दोनों इच्छाएं जिसमें हैं वो अहम दोनों को समन्वित करता है। अब दोनों में से पहले क्या करना चाहिए ये बुद्धि बताती है, औचित्य अनौचित्य का निर्णय बुद्धि करती है। परंतु इन सबके विचार का संस्कार जिसमें रहता है उसको चित्त कहते हैं। चित्त माने राशि, ढेर। ये बौद्ध सिद्धांत में तो चयने धातु से चित्त शब्द की निष्पत्ति मानते हैं, और हमारे वेदांत सिद्धांत में चिति संज्ञाने धातु से चित्त शब्द की निष्पत्ति मानते हैं। होशों का ढेर, जो हमको होश है, ज्ञान है, स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं। पहली बार हमने आग में उंगली डाली थी तो जल गई थी, तो वो उसकी स्मृति भीतर चुनी हुई है, एक ढेर में रखी हुई है। अब जब आग हम देखते हैं और उंगली डालने का मन होता है तो कहता है जल जाओगे। ये जल जाओ कौन बोलता है? कि वो चित्त में जो संज्ञानों की राशि इकट्ठी है, भिन्न भिन्न ज्ञान जो इकट्ठे, संज्ञानम विज्ञानम आज्ञानम प्रज्ञानम इति एतत् सर्वम है न, प्रज्ञानस्यैव नामधेयानि भवन्ति, एतत् सर्वम मन एव, श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति धी श्रीर भी इति एतत् सर्वम मन एव, ये सब मन ही मन है। तो दूसरी बात ये हुई कि मन के हमने चार विभाग किए, तो एक विभाग में तो पंच तन्मात्रा संबंधी ज्ञान है। मन चूंकि उभयात्मक इंद्रिय है इसलिए पंच कर्म और पंच तन्मात्रा इन दोनों को ज्ञान में रखता है, और एक दूसरे इनके बिना भीतर भी ज्ञान प्राप्त करता है, और तीसरे इनको समन्वित करता है, और चौथे समन्वित रीति से औचित्य अनौचित्य का निर्णय करता है, और इन सबके संस्कारों को एक में रखता है। तो इसमें भी मतभेद है। वैष्णव लोग तीन ही मानते हैं, मन बुद्धि और अहंकार। सांख्य में भी तीन ही माना हुआ है, और वेदांती लोग अंतःकरण चतुष्टय चार मानते हैं। किसी उपनिषद में पांच का भी वर्णन है, परंतु उसके वर्णन का प्रसंग जब आवेगा जब सुनाऊंगा। तो ये जो अब एक बात ये हुई कि निर्णयात्मक बुद्धि हो, माने मन के हम अंतःकरण के चार भेद करते हैं, पंच तन्मात्रा के ग्रहण और अग्रहण और तद विषय कर्म के संस्कार से संस्कृत जो मन है संकल्पात्मक, उसको मन बोलते हैं, और जो मन की वृत्तियों को अकेला रह करके धारण करता है और समन्वित करता है उसको अहम बोलते हैं, अहमर्थ। और जो बुद्धि अभी अहंकार पंच तन्मात्रा के स्तर पर मन है और अहंकार के स्तर पर अहंकार है, और महत्तत्व के स्तर पर बुद्धि है, और प्रकृति के स्तर पर पृथक पृथक चित्त है,
और दृष्टा आत्मा इनसे अलग है, ऐसा सांख्य और योग का मत है, और कर्ता आत्मा है ये न्याय वैशेषिक का मत है, और आत्मा न कर्ता है न तो परिच्छिन्न दृष्टा है, अखंड ब्रह्म ही है, ये वेदांत का मत है। तो प्रमाण प्रधान न्याय और प्रमेय प्रधान वैशेषिक, साधन प्रधान योग और साध्य प्रधान सांख्य, और अंतःकरण शुद्धि प्रधान पूर्व मीमांसा और सिद्ध वस्तु प्रधान उत्तर मीमांसा, ये तीन जोड़ी हैं, तीन जुगल हैं हमारे दर्शन शास्त्र के, ये तीन जुगल हैं। तीन जुगल क्या हैं? एक तो प्रमाख आदि क्या हैं, एक तो ये रूमाल क्या है, ये बताता है वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से कि रूमाल क्या है, और आंख क्या है, त्वचा क्या है, ये मुख्य रूप से बताता है न्याय दर्शन, और जीवात्मा इनके भीतर है, और सांख्य और योग बताते हैं कि आत्मा तो दृष्टा है। तो दृष्टा मात्र आत्मा का विवेक करना सांख्य का काम है, और वो योग वो साधन वो अभ्यास बताना जिससे दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो साधन प्रधान योग दर्शन है, और साध्य प्रधान जो है वो सांख्य दर्शन है, और पूर्व मीमांसा अंतःकरण शुद्धि के लिए धर्म का उपदेश करती है, और अंतःकरण शुद्ध होने पर जिस सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार होता है वो उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन बताता है। इसलिए छह दर्शन तीन भूमिका में प्रतिष्ठित हैं, परंतु ये बात तब तक नहीं हो सकती, न तो हम कर्मवान हो सकते, कर्म करने में बाधा आती है तो बाधा का मुकाबला करना पड़ेगा, और बुद्धि से निश्चय करने पर भी जब कभी जीवन में भय आता है, बाधा आती है, तब हम निश्चय को बदल देते हैं। इसलिए जिनके जीवन में कष्ट सहन नहीं है, अच्छा जैसे एक ने ये धर्म किया कि हम अपने हाथ का बनाया खाएंगे, समझो ऐसे ही नियम ले लिया, तो यदि कभी भूखे रहने का सामर्थ्य उसमें नहीं है तो इस नियम का पालन वो नहीं कर सकता। जिस दिन बनाने की सगवड़ न मिले उस दिन उसको भूखे रहना चाहिए, यदि भूख को वो सहन नहीं कर सकता तो इस नियम का पालन नहीं कर सकता। मन से उसने नियम किया कि हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, और जिस दिन खटखट होने लगी, चारों ओर चिड़िया बोलने लगी, चू चू करने लगी, और कुत्ते भौंकने लगे, तो उठ उठ के वो डंडा मारने लगेगा, ढेला फेंकने लगेगा, है ना, सहिष्णुता नहीं होगी तो ध्यान कैसे करेगा। और वेदांत का विचार करने के लिए बैठे महाराज, उसमें जीव की शान के खिलाफ कितनी बातें आईं, ईश्वर की शान के खिलाफ कितनी बातें आईं, हैं, उपासना की शान के खिलाफ कितनी बातें आईं, यदि उनको सहन करके कि हमको तो सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, यदि उनको सहन करके आगे नहीं बढ़ोगे तो नहीं बढ़ सकते। इसलिए धीरा, पहली बात यह है कि कष्ट सहन का सामर्थ्य जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मन को दिशा निर्देश करने का सामर्थ्य बुद्धि में होना चाहिए, ये स्वस्थ पुरुष का लक्षण है, स्वस्थ उसको बोलते हैं। और तीसरी बात यह है कि अपने निश्चय के अनुसार कर्म को कार्यान्वित करने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो धीरा मनीषिणः कर्मवन्तः, और रही बात यज्ञ करने की, तो सामर्थ्य हो तो करो, और सामर्थ्य वस्तु हो तो करो, न वस्तु हो तो मत करो। तो ये यज्ञ करते हैं, एक तुम्हारे भीतर अपूर्व भगवान का निवास है, तुम्हारे भीतर परमात्मा है। यद पूर्वम जक्षमन्तः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यद पूर्वम जक्षम अपूर्वम, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवाज्यम, साक्षात ब्रह्म है तुम्हारे हृदय में। तो वो किस रूप में है? यक्षम, जब इंद्र देवताओं का अभिमान हुआ ना कि हमने दैत्यों पर विजय प्राप्त किया है, जब अभिमान उदय हुआ तो उनके सामने एक यक्ष पैदा हुआ, देवताओं के सामने एक यक्ष प्रकट हुआ, अपूर्वम यक्षम, अपूर्व यक्ष प्रकट हुआ। अग्नि गए कि क्या वीर है तुम में, एक तृण अग्नि से नहीं जला, वायु से एक तृण नहीं उड़ा, और इंद्र जब गए त
तब ये जक्ष जो है, ये जक्ष जो है ये लुप्त हो गया और उसकी जगह पर उमा हिमावती ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई। तो वो जक्ष कौन था? बोले कि अरे यही मन है जो जक्ष रूप विराट होकर, जक्ष रूप हिरण्यगर्भ होकर, जक्ष रूप माया विशिष्ट चैतन्य होकर, ये जक्ष ही सामने आता है। यष्टुम शक्तम यक्षम, सन प्रत्यय हो गया शक्ति अर्थ में, यज धातु से सन प्रत्यय हो गया। तो अब ये जो मन की चर्चा है ये फिर आपको कल सुनाएंगे।